अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टूल इन्फो 1232 पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट और बेहतरीन प्रोडक्ट। अभी तक हम जितने भी सब प्रोडक्ट लेके आए वो सब टूल्स के प्रोडक्ट थे। अब हम टूल्स को कैसे संभालना है और टूल्स को कैसे रखना है वो बताने के लिए हम बैग का पूरा एक रेंज लेके आए हैं। ये बैग भी जो है ये याटो कंपनी के ही बैग है। मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, एक छोटा सा बैग है, 17 पॉकेट का एक बैग है। और ये बैग हमने इसलिए पसंद किया है कि ये बहुत हैवी बैग है। दूसरा कि इस बैग की बिल्ड क्वालिटी, रनर और इसकी जो सेफ्टी फीचर है वो बहुत अच्छे है। और दूसरी बात कि ये फायर प्रूफ बैग है और इसके अंदर नीचे इसका बॉटम भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। आगे मैं सभी बैग को आपको बता देता हूँ। मैं ये सबसे छोटा वाला बैग है, YT74360, ये सबसे छोटा बैग है और इसकी MRP तकरीबन 2200 से 2300 रुपए के आसपास है ये बैग। और ये जो बैग है ये आपका डबल हैंडल वाला बैग है, नीचे रबर का पूरा बॉटम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसको जोर से रख भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इसके अंदर एकदम हैवी रबर दिया हुआ है। अक्सर बैग आप जो टूल्स वाले जो बैग आप यूज़ करते होंगे वो बॉटम में से ही फटते हैं, उस हिसाब से ये कंपनी ने बॉटम के अंदर पूरा रबर की ग्रिप दी हुई है। और बैग के अंदर आप देख सकते हैं पूरा बैग खुल जाता है, मतलब अगर कोई भी टूल आपका है तो पूरा का पूरा खुल जाएगा, देख सकते हैं आप। और इसका जो पट्टा है, पट्टा भी बहुत हैवी है, देख सकते हैं लटकाने के लिए। और उसकी जो क्लिप है, क्लिप भी बहुत हैवी क्वालिटी की है। क्लिप आपको यहाँ पर भराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर एक यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पर लग जाएगा। आप इसको बैग को इस तरह उठा भी सकते हैं। ये प्राइस वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा। और ये इसका एडजस्टमेंट करने का ये है, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट डिटेल दिया हुआ है। ये बैग की खास बात ये है, ये 600 GSM का पॉलिस्टर है और ये 17 पॉकेट है इसके अंदर और नीचे पूरी रबर की ग्रिप दी हुई है। और बैग के बाहर भी आप देख सकते हैं छोटा मोटा सामान रखने के लिए अलग से पॉकेट है। इस तरफ भी आपको, यहाँ पर भी आपका वाटर बॉटल रखने के लिए सामान रखिए, वाटर बॉटल रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पे अंदर भी आपको कंप्लीट सब अलग अलग अपने टूल्स रखने के लिए पॉकेट छोटे छोटे दिए हुए हैं। पाना रख लीजिए, पेचा रख लीजिए, हथौड़ी रख लीजिए, सब सामान इसमें आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, आराम से। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ये भी एक याटो का बैग है, कलर देख के आप पहचान गए होंगे, याटो का कंप्लीट सारे कलर एक सरखे होते हैं, रेड एंड ब्लैक। नया ही बैग है, खास आपके लिए लेके आए हैं। पहले इसको कट कर देते हम। अब ये जो प्रोडक्ट है ये 41, ये भी 600 GSM का, इसका 600 GSM D है इसका। और ये प्रोडक्ट भी याटो का ही है और 41 पॉकेट का ये बैग है, 74351 इसका कोड नंबर है। दूसरा कि ये जो बैग है ये उससे थोड़ा बड़ा है और इसकी यूजेबिलिटी ज़्यादा है। और इसका जो प्राइस है, प्राइस ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस भी दे दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगी। देख सकते हैं आप, पॉकेट देख के आपको आइडिया आ गया होगा। डबल रनर है इसके अंदर और बहुत ही हैवी है, धूल वूल भी आपके रनर में लग जाएगी तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खुल बंद करने के अंदर। देख सकते हैं बंद कर दे, ये बड़ा वाला पॉकेट है, ये सब छोटे वाले पॉकेट है जो आप बाहर से सामान रख सकते हैं, ये भी सब छोटे वाले पैकेट है। 41 पॉकेट है इसमें टोटल, 41 पॉकेट है इसमें। साइड पे भी आपका, इस तरफ भी आपके पॉकेट है, बड़े बड़े पॉकेट है, देख सकते हैं आप। यह खास अंदर देखने की चीज़ है, यहाँ पे आप अपना जो कीमती सामान है वो भी रख सकते हैं भाई, पाना है वो ही है, वही छोटी वाली चीज़ है जो आपको खो जाएगी और ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो, बीट है, शाफ्ट है, वो भी सब आप इसमें अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप हर एक पॉकेट अलग अलग दिया हुआ है कि आप अपने पॉकेट के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। देखो यहाँ बीच में भी सारे पॉकेट दिए हुए और रबर दिया हुआ है, देखिए रबर दिया हुआ है। तो रबर होने की वजह से क्या है कि आपको कोई चीज़ अगर फंसा देनी है उसमें तो आप आराम से उसको फंसा सकते हैं। इंटरनल जो कपड़ा इस्तेमाल किया वो भी बहुत है, बहुत हैवी कपड़ा है, 600D नायलॉन है। और ये जो बैग है इसके अंदर भी आपका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा खुल जाता है, ऐसा नहीं है कि ये आपने जितना खोला उतना ही खुलेगा, ये पूरा खुल जाएगा, पूरा आपका जो अंदर सामान है वो आपको सब पता चल जाएगा। आईडी कार्ड और नेमिंग के लिए दिया है।
यहाँ पे आप अपना बैग का नाम लिख सकते हैं, जो अगर आदमी का किसी का बैग है यहाँ पे उसका नाम लिख के लगा सकते तो वो बैग एक्सचेंज भी नहीं होगा। बहुत ही हैवी बैग है, देखिए आप, सॉलिड बैग के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है। बहुत, अब पहले क्या होता था, लोग पेटी और वो सूटकेस और वगैरह के अंदर सामान रखते थे, लैपटॉप के बैग के अंदर भी कोई भी जुगाड़ू भी सामान रखते थे, मगर वो क्या फट जाता था, गिर जावे तो वो उसका हैंडल टूट जावे, मगर ये अब बहुत हैवी बैग आ गए हैं। अब लोगों की डिमांड बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उस हिसाब से अब ये बड़े हैवी वाले थोड़ा महंगा ही है, 2500-3000 के आसपास है ये, मगर फिर भी ये काम की चीज़ है और आपकी जो टूल्स है वो भी बहुत हिफाजत से रहेंगे इसमें। गुम हो जाता था, सही घूमते उनका, सही बात। अब उसके आगे हमारा एक प्रोडक्ट और है, ये भी एक याटो कंपनी का ही बैग है, देखिए आप, थोड़ा इसकी साइज बड़ी है, ये तकरीबन आपको 29 पॉकेट का ये बैग है, देखिए आप, मगर ये इसके साइज में बड़ा है, ये साइज में बड़ा है, ये इसकी हुक है लगाने के लिए, ये भी यहाँ पे लग जाएगा, बहुत हैवी बैग है, पूरा एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो उठाने की वाली जो जगह है, खास जगह होती है, सॉफ्ट दिया हुआ है उसके अंदर, हिडलॉन दिया हुआ है कि आपको कम यहाँ पे कंधे पे आपका कंधा दुख ना जाए उसके लिए, बहुत ही बढ़िया है। रनर सबके बहुत हैवी है, ये ट्रॉली बैग है, ये मैं आपको ट्रॉली करके भी बताता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे जो है पॉकेट दिया हुआ है, पॉकेट को आप खोलेंगे तो अंदर से आपको एक ट्रॉली निकल जाएगी और आप उसको भर के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपका बहुत भारी सामान है तो आप इसको ट्रॉली की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए आप, सामान नहीं भरा और आप अपना घर का सामान या एयरबैग की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ट्रैवलिंग के लिए भी चल सकता है, किसी को ऐसा लगेगा कि आप ये कंपनी के आदमी हो, प्रोफेशनल लुक है ये, और ये भी हाइड हो जाता है, देख सकते हैं आप, बंद हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ट्रॉली वाला है। एल्बिल में भी देख लीजिए आप, रनर बहुत ही हैवी है, देख लीजिए, बहुत हैवी रनर है, वो मेटल बता देते हैं। यहाँ से जो ट्रॉली है उसको भी आप बता देता हूँ मैं एक बार, देख लीजिए, ट्रॉली भी हैवी है एकदम, और उसका आपका सामान से ट्रॉली का जो नीचे का मैकेनिज्म खराब ना हो जाए उसके लिए पूरा कवर दिया हुआ है, ये ऐसे उसको कवर हो जाता है और वेलक्रो लग जाता है, कचरा वचरा भी उसमें जाएगा नहीं। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, उसमें से भी प्राइस आपको पता चल जाएगा जी, YT7434 29 पॉकेट से, और ये भी 600D का ही इसके अंदर मटेरियल यूज किया है। प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख के दे देंगे। ये बैग के अंदर आप इसको ऐसे भी उठा सकते हैं, और यहाँ पे भी सारे पॉकेट्स है, देख लीजिए, सब अलग अलग साइज़ के अलग अलग काम के लिए पॉकेट दिए हुए, पीछे भी है। कुल मिला के सारे बैग बहुत ही यूज़फुल है, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो आराम से ये यूजिंग हो जाएगा, इसके अंदर आपका छोटा मोटा सामान रह जाएगा, मगर ये बैग क्या दिखने में बहुत खूबसूरत है, आपने कभी लुक वाइज भी अगर आपने देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, कितने जो शौकीन होते हैं जो अपना, जैसे हमने इसके पहले जो वीडियो बनाए थे जो वायरलेस जो टूल्स थे, वो वायरलेस टूल्स क्या महंगे रहते हैं, वो ऐसे टूल्स इस बैग में बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास भी हो और अगर सादे टूल्स भी आप रखना चाहते हो तो इस बैग में आराम से आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद।